नमस्कार जी, मैं नीलम लोहत्रा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगी की दाल का हलवा। सभी को बहुत अच्छा लगता है। मैं बताती हूँ आपको क्या चाहिए इसके लिए। ये मूंगी, आजकल के बच्चों को दाल का पता नहीं चलता कौन सी है। इसको छोटी बोलते हैं, चने की दाल तो बड़ी पीली दाल बोलते हैं। ये वाली दाल है मूंगी की धुली हुई। एक कटोरी लेकर मैंने अच्छी तरह साफ करके इसको धोया, फिर पंखे के नीचे कॉटन के कपड़े पे सुखाया। इसको सुखाने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके रखा है। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा ब्रीक ना मोटा। और उतनी ही शुगर लिया मैंने, उतना ही इसमें घी डलेगा। एक कप एक गिलास दूध का, इसमें मैंने एक पिंच मीठा येलो कलर होता है वो डाला है, और घी। अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी तो नहीं खाया जा सकता, सिर्फ चीनी। इसको अच्छी तरह पानी में घोल लें, जितनी चीनी इससे डबल पानी। ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा से डाल दें, मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगी। थोड़ी सी मैंने कतरन लिया, पिस्ता और बादाम काट के रखे हैं सिर्फ गार्निश के लिए। अभी गैस बुझाएंगे। सिर्फ चीनी घुलने तक इसको गैस पर रखें। चीनी पानी में बिल्कुल मिल गई है, वो तैयार होगी। इधर रख दी मैंने, इधर मैंने फ्राई पैन रखा है, और इसमें डालेंगे अब घी। ये घर का घी है। घर के घी की क्वांटिटी कम लगती है, जो बाहर वाला होता है वो तो ज्यादा डलता है, पर घी तो इसमें डलता ही डलता है ज्यादा। आप बराबर का सोच के चलो, भी डालना पड़ता ही है, तभी हलवा अच्छा बनता है। इसको स्लो गैस पे हम कम से कम इसको 15 मिनट लगेंगे बनाने को। धीरे धीरे इसको अब हम इसमें दूध डाल देंगे। धीरे धीरे दूध डाल के अगर इसको फिर अच्छी तरह भूनना। वैसे हलवाई लोग तो इसमें खोआ डालते हैं, ये हम दूध से भूनेंगे तो इसको खोए का ही टेस्ट आएगा। इसकी मेहनत है बस, तभी टेस्ट अच्छा आता है। इसको जब तक भूनना जब तक ये घी ना छोड़ दे, जितना हमने घी डाला है उसका उतना ही बाहर आएगा।
ऐसे उसको धीरे धीरे भूनना है। घी छोड़ दिया, अब चाशनी डालेंगे इसमें। देखो किनारों पे कैसे घी आ गया, देखो इससे पता चलता है बहुत अच्छे से भूनेंगे कि किनारे देखो छोड़ दे रहे। आपके पास मूंगी की दाल का हलवा तो आप तब बनाएं जब आपके पास खुला टाइम हो, बहुत टाइम लगता है उसको मेहनत बहुत है इसकी। कितना अच्छा दाने का हलवा बना। जो घी डाल के हमने बहुत चीनते उसको भूना, उसका कमाल है, देख सकते हैं। कैसे ये छोड़ रहा है फ्राई पैन को, इसकी यही निशानी होती है बहुत अच्छे से भुना गया। अभी तैयार हो गया, अभी हम इसको ठंडा होने से सर। हलवा तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा दानेदार हलवा बना है। मैंने वर्क लगाया इस पर, अभी थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको बादाम से, थोड़ा सा पिस्ता। आप बताओ आपका बना रहे हो इतना अच्छा हलवा, बहुत ही टेस्टी यम्मी बना है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें।